हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तनीषा गुलाटी एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन। सो जो आज का हॉल होने वाला है ना, वो काफी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा हॉल कभी कोई अपने YouTube पे लाया ही नहीं होगा। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको लाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ना मैंने एक कंपनी के साथ कोलैब किया था, और उनका ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बिजनेस था, और उनकी ज्वेलरी इतनी ज्यादा मुझे पसंद आई थी ना, और उनकी क्वालिटी और प्राइस तो सिर्फ 60 रुपीज था उनकी ज्वेलरी का। और ये फर्स्ट ज्वेलरी जो मैंने उनकी डाल रखी है, सिर्फ 60 रुपीज की थी, और ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है। तो उस कंपनी ने मेरे साथ कोलैब किया। बट क्या होता है ना कि जब मेरे को पार्सल रिसीव होता है, तो मैं उनको मैसेज करती हूँ कि मुझे पार्सल रिसीव हो गया और आपका कलेक्शन काफी अच्छा लगा है मुझे। तो उनका मैसेज आता है कि हमने साइट बंद कर दी है, मतलब वो अब ये बिजनेस नहीं करते, और उन्होंने कहीं और कुछ और बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, और अब वो इस पे वर्क नहीं करते हैं। बट मैंने यार ये सोचा कि इतनी अच्छी कलेक्शन की अगर ज्वेलरी मेरे पास है, तो मुझे ना ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप इस कंपनी से तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये बंद हो चुकी है, मतलब ये इस पे नहीं वर्क कर रहे हैं। बट मैं इसके सिमिलर प्रोडक्ट्स ना मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैंने ना Amazon, Flipkart और Meesho पे ना इनको सर्च किया था, और मुझे वहाँ पर ये ज्वेलरीज मिल गई थी बहुत मुश्किल के बाद। बट कुछ ज्वेलरी पीसेस ऐसी है कि जो इनकी खुद की डिजाइन की है, तो वो मुझे नहीं मिली। फर्स्ट मैं इसी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। ये इयररिंग मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी ना, इतनी मल्टी कलर है और एक ऑक्सीडाइज है। आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्क है कितना ज्यादा क्लियर कर रखा है, मतलब कि कुछ इयररिंग्स तो ऐसी होती है कि उनका वर्क भी अच्छा नहीं होता है, बट इसका वर्क कितना अच्छा है। और ये सिर्फ 60 रुपीज की थी वहां पर, बट अभी जो मैं मेंशन करूंगी लिंक्स, उसमें थोड़ा सा प्राइस अप होगा, तो आप वहां से लेके बाय कर सकते हैं। मुझे वो जो सेलर्स है ना, वो जेन्युइन लगे हैं, तो तभी मैं उनको मेंशन कर रही हूँ। सो नेक्स्ट पेयर ऑफ ज्वेलरी के ऊपर आते हैं, और ये ज्वेलरी ना बहुत ज्यादा वायरल थी, मतलब कि अगर मैं सर्च करती हूँ ना कि मुझे ऑक्सीडाइज इयररिंग्स चाहिए, तो सबसे पहले ना यही शो होती है हर जगह। सो आप देख सकते हैं ये इयररिंग्स इतनी ज्यादा प्रीटी है ना, और इसका साइज देखो, इतना बड़ा साइज है इस इयररिंग्स का। तो मुझे तो ये लगा कि अगर मैं इसको डालूंगी तो ये लाइट वेट होगी या ये बहुत ज्यादा हैवी लगेगी, अभी ये मेरे को डाल के ही पता चलेगा। बट आप वर्क देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा वर्क कर रखा है इसके ऊपर, और इसका ऑक्सीडाइज ना थोड़ा ब्लैकिश पॉलिश में है, वैसा ऑक्सीडाइज नहीं है जो सिल्वर में होता है। सो दीज इयररिंग्स आर सो सो प्रिटी, मतलब यार इनका लुक कितना अच्छा आ रहा है ना। मुझे ना ऐसे झुमके चाहिए थे वैसे भी, कि जो काफी ज्यादा लॉन्ग और लाइट वेट हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारी है या नहीं, तो ये हल्के से भारी लग रहे हैं, मतलब मैं तो इयररिंग्स डालना प्रेफर ही नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम डालती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है। और जिसको बिल्कुल ही लाइट वेट पहनने का शौक है या नहीं पहनी जाती है, वो तो शायद इसे नहीं पहन पाएगा, बट ये इतनी भी भारी नहीं है। बट इसका लुक कितना अच्छा हो रहा है, मतलब यार जब ये आई थी ना, तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी इयररिंग्स पता नहीं कैसी लगेगी हमारे ऊपर, बट मुझे ये काफी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, और ये भी मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि यार इसका लुक भी इतना ज्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी ज्यादा प्रिटी इयररिंग्स होती है ना। ऑक्सीडाइज मुझे बहुत पसंद है, मतलब कि यार बिल्कुल भी ना वो चमचम वाली इयररिंग्स नहीं पसंद मुझे। ऑक्सीडाइज ऐसी है कि काफी सिंपल और लाइट वेट होती है, तो बहुत मेहनतों के बाद ना मुझे ये मीशो पे मिल गई थी, जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। बट यार इनका जो डिजाइन है ना, उससे थोड़ा सा, मतलब 0.1% अलग है, यहाँ पे बस थोड़ा सा लटकन अलग लगी हुई है, बाकी पूरा सिमिलर ही मिला है। मैंने इसको बहुत ढूंढा कि मुझे सिमिलर इसका मिल जाए, बट इनके जो डिजाइन है थोड़े से तो यूनिक होंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ पेयरिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, और ये डिजाइन सिमिलर मेरे को ना फ्लिपकार्ट पे मिल गया था, बिल्कुल सेम डिजाइन, जो कि मैं लिंक डाल दूंगी। और ये भी काफी ज्यादा प्रीटी इयररिंग्स है, इसकी भी जो डिजाइनिंग है ना, इतनी ज्यादा, मतलब इन्होंने अच्छा वर्क कर रखा है ना इसमें। आप देख सकते हैं कि मतलब इतनी छोटी सी इयररिंग डालने से ही ना पूरा लुक इतना अच्छा बन जाता है ना, पूरा गेटअप इतना अच्छा हो जाता है। और अगर ये मैंने नहीं डाल रखी होती ना, तो फेस पे वो ग्लो ही नहीं आता है, बट इसको डालने के बाद ना बिल्कुल अलग सा ही लुक आ जाता है। और जैसे मेरा ये थोड़ा सा वर्क हुआ पड़ा है ना सूट पे, तो उसके हिसाब से थोड़ी छोटी इयररिंग्स भी इसके साथ काफी अच्छी लग रही है, प्रिटी लग रही है।
नेक्स्ट ईयरिंग्स के ऊपर आ जाते हैं और ये ईयरिंग्स सिमिलर बिल्कुल डिट्टो मेरे को मीशो पे मिल गई थी। बड़ी मुश्किलों के बाद मिली है ये भी, क्योंकि ना इसका जो थोड़ा सा डिज़ाइन था ना वो सिमिलर थोड़ा सा अलग हर प्लेटफॉर्म पे था, मीशो पे अमेजोन हर जगह आपको मिल जाए। तो थोड़ी सी जो डिफरेंट चीज़ है ना जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही थी वो ये इसके कलर्स हैं। तो यहाँ पे त्रिशूल और गणेश का डिजाइन बना रखा है जो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने व्हाइट स्टोन वाली डिटेलिंग भी थी, मैं वो भी मेंशन कर दूंगी, आपको जो पसंद आएगी ना वो ले लेना, क्योंकि निकी होता है कि हमें थोड़ी कलर्स वाली नहीं लेनी है तो वो कलर्स वाले के बजाय वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयरिंग्स के ऊपर आ जाते हैं और ये ईयरिंग्स ऐसी है कि जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। मिरर ईयरिंग्स ना आउट ऑफ फैशन होती ही नहीं है, उसके अलग अलग डिजाइन आते रहते हैं, तो आपने काफी सारी मिरर ईयरिंग्स तो देखी होगी। तो इसमें जो डिटेलिंग दे रखी है ना वो काफी ज्यादा अच्छा वर्क कर रखा है इन्होंने, और साथ ही साथ ना ऐसी ईयरिंग्स आपको ना बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। मैंने इतनी ज्यादा ढूंढी है, मैंने पूरी रात इयरिंग्स को ढूंढा है, ये इयरिंग्स मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। हर किसी में ना डिजाइनिंग अलग हो रखी थी, बट मुझे सेम डिजाइन फिर बहुत मुश्किलों के बाद मीशो पे मिल गया काफी स्क्रॉल करने के बाद। तो मैंने सोचा यार ये जो इयरिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आपको पसंद आएगी तो आप कहीं से ले नहीं पाओगे, तो मुझे लगा कि आपके साथ ना इसका लिंक डालना चाहिए। तो मैंने इसलिए पूरी रात जाग के सारे लिंक्स मैंने इकट्ठे करे कि ये इयरिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ना, ऐसा लगता है कि जो मिरर वाली इयरिंग्स होती है ना वो हमारी सिंपल कुर्ती के साथ भी काफ़ी अच्छी जच जाती है, और जो मिरर कुर्तीज आजकल आ रही है ना तो उसके साथ भी काफ़ी अच्छे से पेयर अप हो जाती है। जो नेक्स्ट इयरिंग्स है ना वो इयरिंग्स थोड़ी एथनिक नहीं है, मतलब कि वो पार्टी वेयर में भी काफी अच्छी लगने वाली है, एथनिक के साथ इतनी मैच नहीं करेगी वो, थोड़ी सब इन सबसे थोड़ी सी अलग थी, मुझे सबसे अलग लगी है वो, क्योंकि उसमें ना जो जैसे इसमें तो ऑक्सीडाइज वर्क दे रखा था ना, तो उसमें ऑक्सीडाइज वर्क नहीं है, उसमें स्टोन वर्क दे रखा है। तो मुझे ये इयरिंग्स ना काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगी थी, और ये मुझे एक प्लेटफॉर्म के हर किसी प्लेटफॉर्म में मिल गई थी, बट उसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो साइज है ना थोड़ा सा बड़ा दे रखा है हुप्स का, तो इसका प्राइस भी ना 60 रुपीज़ ही था उस साइट पे, बट अभी जिसका साइट मैं दूंगी उस पे 60 रुपीज़ नहीं होने वाले। तो जो नेक्स्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स है ना वो भी थोड़ी ऐसी इयरिंग्स है कि जो हम पूजा फंक्शंस में ना डाल सकते हैं, और वो काफी अच्छी लगने वाली है। ये जो इयरिंग्स है ना ये है माँ दुर्गा वाली इयरिंग्स, इसमें ना माँ दुर्गा बनी हुई है, आप अगर ध्यान से इसकी डिटेलिंग देखोगे ना। सो जितनी भी मैंने आपको इयरिंग्स दिखाई थी ना ये मैंने खुद सेलेक्ट की थी, उन्होंने नहीं भेजी थी, तो मैंने खुद ही इनको सेलेक्ट किया था और उसके बाद इनको बोला था कि मुझे ये ही भिजवाना। मेरी आउटफिट को इतना इनहेंस कर दिया ना इसको डालने के बाद, मेरी आउटफिट और भी इनहेंस हो गई है। नेक्स्ट ईयरिंग है ना वो भी थोड़ी सी ना पार्टी लुक में आ जाती है, इतनी एथनिक नहीं है, मतलब कि ऐसी है कि हम उसको दोनों के साथ पेयर अप कर सकते हैं। ये ना हुप्स हैं, और हुप्स ना स्क्वायर शेप में बना रखे हैं, अगर आप ऐसे देखो तो स्क्वायर शेप में बना रखे हैं, और नीचे इन्होंने जो ब्लैक से इन्होंने जो लटका रखी है ना ये काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, और ये भी मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिली है। तो अगर ये आपको पसंद आई है ना तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म में मिली ही नहीं मुझे। तो इसका लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, पर जितना मुझे ये फोटो में अच्छा लग रहा था ना उससे ज़्यादा मुझे ये जब आई है तब अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, और ये है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें ना इन्होंने पिकॉक का डिजाइन बना रखा है। तो ये वाली इयरिंग्स भी ना मुझे कहीं पे नहीं मिली थी, शायद इनका ये यूनिक डिजाइन है ना इस वजह से नहीं मिली थी, और ये इस इयरिंग से देखो बिल्कुल इसकी आधी से भी आधी है। तो ये कि इयरिंग्स ना उनके लिए काफी सही है जिनको ना इतना इयरिंग्स का शौक नहीं है, और जो इतना पहनते नहीं है, और जिनको हैवी पहनना पसंद नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी इतना हैवी नहीं पहनती हूँ। ऐसे मैं ये वाली पहन सकती हूँ, थोड़ी हैवी पहनने में डिफिकल्टी होती है, बट ये वाली काफी स्मॉलर ना इसका बिल्कुल वेट का पता भी नहीं चलने वाला है, तो ये भी काफी अच्छी लगने वाली है कुर्तीज के साथ। That's it for the video. यही pair of earrings थी जो मेरे को collab में आई थी, और मैंने आपके साथ सारी की सारी शेयर कर दी है। 10 pieces थे ये total, और मुझे लगता है कि आपको ये काफी पसंद आई होगी, तो मैं आपको लिंक सारे mention कर दूंगी, तो आप जाके फटाफट से इसको buy कर लेना, ये काफी ज्यादा pretty earrings है। तो इस video को यहीं पे end करते हैं, thanks for watching my video, bye guys.